अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला चिकन करी। तो ये मसाला चिकन करी एकदम इजी है और घर के कुछ ही सामान से आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और जिनको कुक बिल्कुल भी नहीं आता है कुकिंग। तो चलिए, इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले चिकन लेंगे, जो कि मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो चिकन है बोन के साथ है। और यहाँ पर सूखा मसाला डालेंगे हम, यहाँ पर धनिया पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून लिया है, गर्म मसाला 1 टीस्पून है, चिकन मसाला 1 टीस्पून है, हल्दी जो है मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, और जो लाल मिर्च है वो 1 टीस्पून लिया, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इन सबको डालने के बाद जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और इन सबको डालने के बाद अब यहाँ पे मैंने दही यूज़ किया है। अगर आपके पास दही नहीं हो तो आप इसकी जगह एक नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप दही यूज़ किया है, जो कि तकरीबन अगर आप इसको स्पून से डालें तो ये 5 टेबल स्पून जितना दही है। इसको मैंने थोड़ा मिक्सी में पीस लिया था। और अब इन सबको डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए जो है फ्रिज में रखेंगे। अगर ना है फ्रिज तो आप ऐसी भी बाहर इसको ढक के रख सकते हैं। अब इसका जो है मसाला बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद जो है दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची ली है, 10 से 12 जो है आप छोटी जो काली मिर्च बोलते हैं वो ले सकते हैं, और जावित्री लिया है मैंने, लौंग का 4 से 5 लौंग लिया है, 1 बादियान का फूल लिया है, और 1 तेज पत्ता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको जो गरम मसाला पसंद हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुकिंग के लिए जो है फिगारो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून जितना ऑयल यूज़ किया है। अब ऑयल गरम होते ही यहाँ पे हम सारे अपने जो गरम मसाले हैं उन सबको डाल देंगे। देखिए, गरम मसाले को वैसे हमें ज़्यादा नहीं बनाना है, बस इसकी जो खुशबू है ना वो आते ही। यहाँ पे मैंने 2 प्याज को अच्छा ग्रेटर से जो चॉपर से चॉप कर लिया था, है ना। अब इसको हम कलर चेंज होने तक के पका लेंगे। देखिए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें सूखा मसाला ऐड करेंगे। सूखा मसाले में मैंने यहाँ पे जो धनिया पाउडर है ना वो कुटा हुआ धनिया लिया है, और फिर से मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है हल्दी लिया है, और मिर्ची जो है 1 टीस्पून लिया है। सूखा मसाला पहले डालने से ये बेनिफिट है कि जो ग्रेवी का कलर है ना वो एकदम उभर के आता है। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना आप, एकदम ग्रेवी जो है ऊपर से दिखता है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा फ्लेवर। आप एक बार ट्राई करें ज़रूर। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून यूज़ किया है। अब सारे मसाले को जो है हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब आप सूखा मसाला डालें, बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो गैस का फ्लेम है ना वो थोड़ा लो करके डालें, ताकि जो मिर्च है ना वो ना जले। और इसको धीमे धीमे आंच पे पकाएंगे। और फिर अब जो है हम इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि हमने चिकन में पहले ही नमक डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जो है नमक यूज़ किया है। और अब जो है मसाले को चलाते हुए यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए, है ना। अब इसको अच्छी तरह से चलाने के बाद इसको ढक के तकरीबन हम 1/2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, और जो गैस है वो मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे। 1/2 मिनट हो गया है। अब देखिए, मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है, और जो तेल है वो देखो एकदम से साइड में है ना आने लगा है। तो है, चिकन को मैंने फ्रीज से निकाल लिया है, और ये अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। तो अब जो है हम चिकन को मसाले में डाल देंगे। अब इसके बाद जो है हम चिकन को अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लेंगे, यानी कि अच्छी तरह से आप इसको चला लें, ताकि मसाला जो है वो चिकन में एकदम अच्छी तरह से लग जाए, है ना। इसको मीडियम हाई पे ही रखें, लो पे ना रखें। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने हरी मिर्च जो है वो 4 लिया है, इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर, अभी जो है ना देसी टमाटर बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल रहे हैं, तो आप देसी टमाटर डालें। और 2 टमाटर को मैंने यहाँ पे मिक्सी में पीस लिया था। बस इन सबको मिक्स करना है। अब हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और इसी तरह से तकरीबन 12 मिनट के लिए जो है वो मैंने छोड़ दिया था इसको पकने के लिए।
तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, चिकन मसाला करी जो है वो हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। इसमें जो खुशबू है, इसकी जो कलर है, वो सब आपके सामने है। आप लोग भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।